अगर आपकी कंपनी ने भी कभी कोई एम्प्लॉई फ्रॉड के साथ डील किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय कनेक्शंस, आज हमारे साथ मेरे फ्रेंड सीए तरुण बिदानी जुड़े हैं, हु इज एन एक्सपर्ट इन कंपनी लॉ एंड फोरेंसिक लॉ मैटर्स। इनफैक्ट ही हैज सर्व्ड द एमसीए डिपार्टमेंट एंड हैज एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट एजेंसी इन्वेस्टिगेशंस। हाय तरुण। हाय कनेक्शंस, हाउ आर यू? बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है? तो मेरी एक क्लाइंट है व्हिच इज अ कंपनी, उनके यहां पे उन्होंने एक मैनेजर को पावर दी टू गिव सम इंसेंटिव्स टू हिज एम्प्लॉइज ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, पर उस मैनेजर ने अपनी पावर को मिसयूटिलाइज करते हुए कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा एम्बेजलमेंट क्रिएट कर दिया और 50 लाख रुपए कंपनी के लेके भाग गया। ओहो, तो फिर आपकी क्लाइंट कंपनी को कैसे पता लगा? जब उन बेचारों को एमसीए, सेबी और दूसरी गवर्नमेंट अथॉरिटी से नोटिस आने लगे तब उन्हें पता चला कि उनके साथ कुछ हो गया। उन लोगों ने इंटरनल कंट्रोल्स लगा रखे थे इस सब मैटर में, उसके बावजूद उनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। देखो यार, प्रेजेंट टाइम में जो कंपनीज हैं वो इस तरीके की प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, तो और जो बिग कॉर्पोरेट्स के अंदर एम्प्लॉई और अदर पर्सन नई नई तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट्स के लिए ये जरूरी है कि जो उन्होंने इंटरनल कंट्रोल बनाए हैं उसकी रेगुलर इन्वेस्टिगेशन करें, जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को भी अपने पॉलिसीज के अंदर इंक्लूड करें। इन सब करने से कंपनी के अंदर जो इंटरनल कंट्रोल बने हुए हैं उनकी एफिशिएंसी, एडवोकेसी और उनकी इफेक्टिवनेस बनी रहेगी, ताकि टाइम टू टाइम जो फ्रॉड हो रहे हैं उनके ऊपर प्रिवेंट किया जा सके। तो कंपनी के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कंपनीज के लिए नेक्स्ट स्टेप ऐसा होना चाहिए कि कंपनी में इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट एक टॉप रूप से एस्टैब्लिश होना चाहिए। वो डिपार्टमेंट जो बाहर या जो अच्छे प्रोफेशनल है, जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, जो इंटरनल कंट्रोल और फॉरेंसिक्स के अंदर अपनी डीप नॉलेज रखते हैं, उनको एसोसिएट करना चाहिए अपनी कंपनी के साथ, ताकि इन फ्यूचर किसी भी तरह का अगर फ्रॉड हो रहा है या कुछ सिग्नल मिल रहे हैं, अलर्ट मिल रहे हैं, तो उन अलर्ट के बिहाफ पे कंपनी इमिडिएटली अपनी जो पॉलिसीज है इंटरनल कंट्रोल की या फिर जो एम्प्लॉई फ्रॉड रिडक्शन की, वो इमिडिएटली लागू कर सके, ताकि इन फ्यूचर में कंपनी अपने बिजनेस गोल को इफेक्टिव रूप से अचीव कर सके। ओके, गॉट इट। फ्रॉड्स भी प्रिवेंट हो जाएंगे इससे। यस सर। एवन आप बताइए कि उनके पास इन्वेस्टिगेशन के कई उनके पास नोटिस वगैरह आए, तो इस तरीके की जो लीगल प्रोसीडिंग या प्रॉब्लम है इन फ्यूचर उन कंपनियों को नहीं देखनी होगी। करेक्ट। सो यू शुड मेक इंटेलिजेंट चॉइसेस फॉर योर कंपनी एंड यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन मास्टर ब्रेन्स फॉर योर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस एंड इंटरनल कंट्रोल इन्वेस्टिगेशंस। Or if you have received any such notices from government authorities, we are there to represent you.